डियर स्टूडेंट्स दिस इज अनदर वीडियो फॉर कैलकुलेटिंग डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स सो पीछे हमने सीखा कि वैक्टर्स को एड कैसे करना है उनको सब्टैक्ट कैसे करना है और वैक्टर्स को स्प्लिट करके यानी एक वैक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड कैसे करना है सो so, आज का वीडियो है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमने फिजिक्स में वेक्टर्स को दो तरह से मल्टीप्लाई करना है कुछ केसेस में जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा जैसे कि वर्क एक एग्जांपल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके वर्क आता है तो पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं उससे और क्लियर होगा उस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे कभी कभी वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें एक वैक्टर आंसर चाहिए होता है उस केस में यूज़ होगा क्रॉस प्रोडक्ट या वैक्टर प्रोडक्ट तो सबसे पहले बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की सो so, आपके लिए एग्जाम्पल है एक नाइन्थ क्लास में पढ़ा आपने कि वर्क कैसे निकालते हैं सपोज़ एक ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स एफ के अंडर कुछ डिस्टेंस से डिस्प्लेस होता है डिस्प्लेसमेंट का साइज़ है एस वेक्टर <coughs> तो अगर फोर्स के हम दो कंपोनेंट्स करें जैसे कि पिछले वीडियो में बताया कि कंपोनेंट कैसे करने हैं जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ की जो एडजेसेंट साइड है उधर वाले कंपोनेंट को कॉस से डिनोट करते हैं तो एफ कॉस थीटा जो वेक्टर का पार्ट है वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट हुआ और एक पार्ट उसके राइट right एंगल पे है एफ साइन थीटा बट एक ही फोर्स का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ कॉस्थीटा जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग डायरेक्टेड है एज अ रिजल्ट जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉज्ड बाय द कंपोनेंट एफ थीटा ऑफ द फोर्स एफ साइन थीटा का कोई डिस्प्लेसमेंट में रोल नहीं है तो जो वर्क आएगा वो डिस्प्लेसमेंट एस इनटू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट एफ थीटा होगा इसी प्रोडक्ट को यानी एफ इंटू एस इंटू थीटा को हम एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखेंगे यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आंसर वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी इसलिए इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट सो इसको हम एफ़ को बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट तो इन जनरल अगर हमें रिजल्ट लिखना है जैसे यहाँ पे फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड आ गया डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड आया फिर हमने एफ़ और एस में जो एंगल है थीटा उसका कॉज लिखा तो इन जनरल भी ऐसे लिखेंगे ए डॉट बी जो है वो इक्वल टू ए बी कॉज थीटा के इक्वल होगा अगर वैक्टर्स दो राइट एंगल पे हैं तो उनमें जो थीटा की वैल्यू है वेक्टर्स में वो 90 होगी और 90 डिग्री का कॉस्ट थीटा जो है वो ज़ीरो आएगा तो उस केस में ए डॉट बी जो है दैट वुड बी इक्वल टू ज़ीरो तो ये टेस्ट भी है कि दो वेक्टर्स राइट एंगल पे हैं या नहीं हैं तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट राइट एंगल पे हो नाइन्थ में पढ़ा था आपने कुली वाला केस तो उस केस में कुली का वर्क डन ज़ीरो होता है क्योंकि फोर्स तो कुली लगाता है वर्टिकली अपवर्ड्स लोड को लिफ्ट करने के लिए और डिस्प्लेसमेंट होता था होरिजोनटल तो वर्क डन बाय द कुली जो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा स्टेटमेंट दैट इज इक्वल टू जीरो तो कारण वही है कि अगर दो वैक्टर राइट एंगल पर होंगे तो उनमें थीटा की वैल्यू जो है नाइन्टी आएगी काउ नाइन्टी की वैल्यू जीरो तो ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो आएगा सो आपने याद रखना है वैक्टर्स को राइट right एंगल पे अगर प्रूव करना है उस केस में उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आना चाहिए बट अगर आपको वैक्टर्स जो हैं वो आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में गिवन है कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में एक्स वाई एंड जेड कॉम्पोनेंट्स फिर ध्यान रखिए आई डॉट आई करेंगे तो आंसर वन आएगा रीजन पहले दोनों वैक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होता है आई कैप का मैग्नीट्यूड वन है दूसरे आई का भी वन है आई कैप आई कैप दोनों एक्स एक्सिस के अलाग है इसलिए उनमें एंगल जीरो आएगा कॉस जीरो भी वन आएगा वन इंटू वन इंटू वन इक्वल टू वन सिमिलरली जे विद जे वन आएगा K को के को से डॉट करेंगे वो भी वन आएगा लेकिन अगर ये हाइट्रोजीनियस है यानी कि आई को जे से करें या जे को के से करें अगर ये सिमिलर नहीं है तो आई और जे में, में बेटा कितना एंगल था 90 डिग्री तो कॉज 90 होता है जीरो तो इन दोनों का बेटा डॉट करके आंसर आएगा जीरो तो अगर ये सिमिलर हैं, तो आंसर लिखना है वन अगर ये डिसिमिलर हैं, तो आंसर लिखना है जीरो सो so इसका हमारे जो मैथमेटिकल पार्ट है उस पर क्या इफेक्ट आएगा अगर हमें वेक्टर ए गिवन है थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस सेवन के कैप एंड वेक्टर बी गिवन है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप यानी इसमें x कम्पोनेंट थ्री है y माइनस फोर है z सेवन है तो अगर हमें ए डॉट बी करना है वैसे तो इन टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो नाइन आनी चाहिए एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार ऐसे एक बार ऐसे तीन टर्म्स हो गई फिर इस तरह से करेंगे नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री तीन और टर्म्स हो गई फिर सेवन के के आपको पहले आई से फिर जे से फिर के से तो टोटल नाइन टर्म्स आती हैं लेकिन उन नाइन में से सिर्फ तीन ही टर्म्स हैं जो i विद i, j विद j, k विद k नॉन जीरो हैं बाकी सारे जीरो हैं तो आपने ए डॉट बी करते टाइम i वाले कॉफिशियंट को यानी कि कंपोनेंट को थ्री को टू से मल्टीप्लाई कर देना सिक्स आएगा माइनस फोर को थ्री से करना है माइनस ट्वेल्व आएगा सेवन को वन से करना है तो सेवन आएगा और इनको सिंपली प्लस कर देना है विद साइन अल्जब्रिकली ऐड कर दीजिए जो भी आंसर आएगा वो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का ए डॉट बी दूसरा ध्यान रखिए इसके आंसर में कहीं भी आई जे के नहीं है क्योंकि इसका नाम क्या है स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आएगा स्केलर में आई जे के मिसिंग होंगे तो ये नोट भी ऐड कर दीजिए आंसर जो है इसका फ्री है फ्रॉम आई जे एंड के आंसर में आई जे के नहीं आएंगे पहले नोट कर लीजिए फिर स्लाइड को आगे एडवांस करना ओके <coughs> okay. अब क्वेश्चन किस तरह से आएंगे एक कैटेगरी है क्वेश्चन की शो दैट वैक्टर्स फाइव आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप और एक दूसरा वैक्टर गिवन है शो करो कि ये परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर के लिए अभी जैसे आपको कंडीशन बताया कि दो वैक्टर्स को डॉट करने पे अगर आंसर जीरो आता है तो वैक्टर्स वो राइट एंगल पे होंगे तो सिंपली आपने ए डॉट बी करके चेक कर लेना ए डॉट बी करने पर अगर आंसर जीरो आ गया तो वो वैक्टर्स राइट एंगल पर हैं सो so, वेक्टर्स को प्रपेंडिकुलर शो करने का एक ही टेस्ट है कि दोनों वेक्टर्स को डॉट करने पे जीरो आंसर आना चाहिए सो so, आप ए डॉट बी निकालेंगे तो फाइव इंटू फाइव करेंगे माइनस थ्री इंटू सेवन करेंगे आई वाला आई से मल्टीप्लाई जे वाला जे से सिमिलरली के वाला यानी माइनस फोर को वन से करिए मल्टीप्लाई तो ट्वेंटी फाइव ये आएगा ट्वेंटी वन ये आएगा माइनस ये माइनस फोर आएगा टोटल करिए तो आंसर मिलेगा आपको जीरो हैंस वैक्टर्स ए एंड वैक्टर बी या जो भी इनके कंपोनेंट्स दिए हैं दीज वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इसका एक दूसरा वर्शन है कई बार ना आपको ये जो ए दोनों में से एक वैक्टर का कोई एक कंपोनेंट मिसिंग होगा यहाँ पे साथ में एन एम या कुछ पी के ओ लगा देंगे और पूछेंगे कि पी की वैल्यू निकाल दीजिए ताकि ये दोनों वैक्टर राइट एंगल पर हो जाए उस केस में भी आपको सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है बट उस केस में क्योंकि पहले से गिवन है कि वेक्टर्स राइट एंगल पे हैं तो आप ए डॉट बी करने के बाद उसको इक्वेट कर दिए जीरो के साथ उसमें जीरो आएगा नहीं बट आपने इक्वल टू जीरो लिखना है उससे वो जो अननोन नंबर है जो भी यहां पे मिसिंग होगा एन से लिखा हो फाइव आई कैप प्लस एन जे कैप माइनस फोर केक सो नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी का है पहले इसको नोट कर लीजिए दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू आप ट्राई कर लीजिए प्रूव दैट वेक्टर ए थ्री आई कैप फोर जे कैप माइनस नाइन के कैप हो और वेक्टर बी हो एट आई कैप थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप चेक करिए कि ये वेक्टर राइट एंगल पे हैं तो आपका भी आंसर सेम मैनर में जीरो आना चाहिए ओके अब शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे तो दूसरी कैटेगरी है कि आपको एक बीच में नंबर मिसिंग दिया होगा जैसे यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन वेक्टर्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप दूसरे में एक नंबर मिसिंग है आई कैप प्लस एन जे कैप प्लस थ्री के कैप आर परपेंडिकुलर टू इच अदर उस कंडीशन में कि अगर ये परपेंडिकुलर हो, तो एन की वैल्यू क्या होगी उसके लिए फिर वही वैक्टर्स लिखिए पहले उनको डॉट करिए डॉट करके आंसर आना चाहिए जीरो क्योंकि वैक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो आई वाला मल्टीप्लाई करेंगे आई से यानी कि टू इंटू वन माइनस वन इंटू एन जे वाला जे से के वाला कंपोनेंट के से यानी फोर इंटू थ्री इक्वल टू ट्वेल्व तो टू माइनस एन ट्वेल्व और ए डॉट बी को करना है आपको जीरो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप एन की वैल्यू निकाल दीजिए ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व प्लस टू करेंगे फोर्टीन एन को उधर ले जाइए तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस फोर्टीन सो ये दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हैं तीसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है कि आपको ना वैक्टर्स गिवन होंगे एंड यू वुड बी रिक्वायर्ड के एंगल निकालिए कितना है इसका एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द गिवन टू वैक्टर्स आर प्रपेंडिकुलर टू ईच अदर आंसर नहीं बताऊंगा आंसर अपने आप निकालिए और अपने आप पे भरोसा करिए कि आप सही निकाल रहे हैं ओके नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस फाइंड द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स दो वैक्टर गिवन होंगे और क्वेश्चन होगा कि उनमें एंगल कितना है वो निकालिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो था वो ए इंटू बी इंटू कॉस्थीटा था अब आपको अगर वैक्टर ए और वैक्टर बी गिवन हो कंपोनेंट्स की फॉर्म में तो आपको ए डॉट बी निकालना आ गया तो क्योंकि ए डॉट बी वॉज इक्वल टू ए बी थीटा इसमें ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन द वैक्टर्स तो अगर हम कॉस् थीटा निकाल पाए यानी कॉस्ट थीटा इक्वल टू रहेगा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है उसके लिए लास्ट वाले वीडियो में आपको तरीका बताया कि पहले तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वेयर 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 करिए ऐड करिए उनको और स्क्वेयर रूट ले लीजिए उससे मैग्नीट्यूड ए आ जाएगा सेम वे मैग्नीट्यूट बी आएगा ए डॉट बी कैसे निकालना है वो आपने जस्ट अभी सीखा ए डॉट बी निकालने के लिए वन इंटू वन फिर वन इंटू माइनस वन फिर वन इंटू टू ए डॉट बी आ जाएगा तो ये सॉल्व करके टू आता है अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है उसके लिए वन का स्क्वायर फिर वन स्क्वायर फिर वन स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर रूट आंसर आया रूट थ्री सेम हियर वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर टू स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी फोर प्लस वन फाइव प्लस वन सिक्स रूट ऑफ सिक्स अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दीजिए वैल्यूज मीन्स ए डॉट बी को लिखेंगे टू मैग्नीट्यूड ए को लिखेंगे रूट थ्री और बी को लिखेंगे रूट सिक्स सो ए डॉट बी आया बेटा आपका टू रूट थ्री रूट सिक्स जो है वो मैग्नीट्यूड्स हैं ए और बी के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट एटीन हो जाएगा एटीन में नाइन इंटू टू दो टर्म्स हैं नाइन का स्क्वायर रूट थ्री और रूट टू बचेगा टू बाई रूट टू को फिर से लिख सकते हो एज रूट टू बाय थ्री रूट टू की वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर थ्री से डिवाइड करने पर आपका आंसर ये आएगा तो देख लेना स्कूल के टीचर आपके कैसे आपको अलाउ करते हैं कुछ बच्चे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉज इन वर्स ऑफ पॉइंट फोर सेवन वन थ्री एंड समीचर स्ट्रेस के फाइंड करिए कि एंगल है कितना उसके लिए आपको फिर नेचुरल कोसाइनस का टेबल देखना है उसमें आप ढूंढिए कि कहाँ लिखी है वैल्यू पॉइंट फोर सेवन वन थ्री के बिल्कुल नियरेस्ट वो अगर आप ढूंढेंगे नेचुरल कोसाइन में तो वो आपको 61 डिग्री के अंडर मिलेगा टेबल्स कैसे देखने हैं उसका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स वाला वीडियो मेरा देखिए उसमें आपको एंगल्स कैसे निकालने हैं वो पता चल जाएगा तो नेचुरल कोसाइन वाला टेबल यानी आपके पास टेबल जरूर होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए तो उसमें फ़ोर जो है वो नियरेस्ट नंबर है इसका वो ढूंढना पहले वो सिक्सटी डिग्री और 54 मिनट पे दिखेगा आपको टेबल में लेकिन अभी क्योंकि तीन का डिफरेंस है यहाँ पे 10 आ रहा है यहाँ पे 13 आ रहा है तो इसमें तीन प्लस करने हैं है हमें तो आपको उसी के एंड में जो लास्ट के फाइव कॉलम्स हैं वन से लेके फाइव तक उसमें ढूंढना है कि कहीं थ्री लिखा हुआ है अगर थ्री है वेल एंड गुड नहीं है थ्री तो थ्री का नियरेस्ट नंबर ढूंढना होता है अब देखिए थ्री कितने मिनट के नीचे लिखा तो वो ऊपर आप चेक करिए वन मिनट के नीचे है तो जैसा बताया गया था वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के लिए कि अगर कॉज़ की वैल्यू बढ़ानी हो फोर सेवन वन जीरो को फोर सेवन वन थ्री बनाना है तो एंगल आपको छोटा करना पड़ेगा कॉज़ की वैल्यू एंगल बढ़ने से डिक्रीज़ होती है तो आपको वैल्यू बढ़ानी है तो एंगल को डिक्रीज़ करना पड़ेगा दोबारा बोल रहा हूँ काज़ की वैल्यू एंगल इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ होती है जीरो डिग्री पे कॉज होता है वन नाइनटी पे होता है जीरो तो अगर आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो एंगल को रिड्यूस करना है तो 54 मिनट में से वन मिनट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा तो आंसर आएगा आपका बेटा 61 डिग्री 54 में से एक माइनस किया 53 मिनट एक क्वेश्चन आपके ट्रायल करिए दे रहा हूँ पहले ये नोट कर लीजिए अनदर क्वेश्चन पहले आपने अप करना उसके आगे भी वीडियो को पॉज करके फिर चलाना तो अगर एंगल निकालना आपको थ्री आई कैब फोर जे कैप माइनस ट्वेल्व के कैप प्लस टू एंड टू आई कैप माइनस जे कैप एंड टू के कैप में सो सेम स्टेप्स जो आपने पहले नोट किया उसके थ्रू चलिए तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए आप खुद सॉल्व करिए पहले फिर उसके बाद आंसर देखना कि कैसे सॉल्व हुआ है तो पॉज करने के बाद सॉल्व करके फिर आगे वीडियो को ऑन कर लीजिए तो वेक्टर ए वेक्टर बी को डॉट कर किया पहले डॉट करने पे आंसर आ रहा है ट्वेंटी सिक्स मैग्नीट्यूड ए निकाला स्क्वेयर करके सारे ऐड कर दीजिए आंसर आया थर्टीन इधर भी सबके स्क्वेयर करके ऐड करिए आंसर आया थ्री इसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड बी में वैल्यूज डाली आपने सॉल्व करने पे टू बाई थ्री यानी पॉइंट सिक्स 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 सेवन आ गया अब नेचुरल को साइन वाला फिर से टेबल तो कॉस इनवर्स पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन चाहिए तो दैट इज़ इक्वल टू इसका जो नियरेस्ट नंबर है को साइन वाले टेबल में वो मिलेगा आपको ट्रिपल सिक्स फाइव ये मिलेगा फोर्टी एट डिग्री और ट्वेल्व मिनट के नीचे बट अभी हमारा डिफरेंस कितना रह गया टू का तो ढूंढना है कि टू है कहीं हो सकता है किसी केस में टू ना मिले तो उसका नियरेस्ट नंबर ढूंढ लीजिए ओके टू लिखा हुआ है वन मिनट के नीचे तो जैसा बताया कि कॉज वाली वैल्यू जो है वो बढ़ाने के लिए एंगल कम करना पड़ता है तो ट्वेल्व में से वन माइनस करिए तो आंसर इज़ फोर्टी एट डिग्री इलेवन मिनट होप है कि समझ आ गया होगा अगला पार्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का कैसे लेना है तो उसके लिए पहले एक सिचुएशन देखते हैं कि अगर एक स्क्रू खोलना हो जैसे कार में कोई नट है टायर का उसको ढीला करना है तो उसके लिए आपके पास एक डिवाइस जिसको बोलते हैं स्पैनर, उसको लगा के आप खोलते हो रीजन फोर्स को जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे जितना दूर जाके लगाओगे उतना फोर्स का ट्विस्टिंग इफेक्ट जिसको कि हम टॉर्क कहते हैं फोर्स को जो फोर्स जो है वो रोटेट करने में इसको यानी यहाँ पे फोर्स लगाएंगे ऐसे घुमाने के लिए तो हमारी अप्लाइड फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है ट्विस्टिंग इफेक्ट है वो कैसा रहेगा उसमें दो चीज़ें मैटर करती हैं नंबर वन फोर्स कितने डिस्टेंस पे लगाया उसको मैं आर वेक्टर लिखूंगा दूसरा फोर्स कितना लगाया ऑब्वियस है फोर्स आप इस आर वेक्टर को राइट right एंगल पे ही लगाना चाहेंगे ताकि फोर्स का इफेक्ट मैक्सिमम हो लेकिन ये आपको जनरल एक्सपीरियंस से पता है कि फोर्स राइट एंगल पे ही लगानी है बट मान लो फोर्स एफ जो है वो आपने कुछ एंगल पे लगा दी इधर को तो इस फोर्स के आप ना दो कंपोनेंट करिए एक कंपोनेंट आएगा जिधर एंगल होता है उधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा एफ कॉस थीटा एंड इधर वाला कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा अब आप बताइए कि कौन सा कंपोनेंट जो है इस स्पैनर को रोटेट करेगा एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा बिल्कुल सही एफ साइन थीटा वेक्टर जो है वो आर को राइट right एंगल पे है वो इसको घुमाएगा और अगर आप एफ कॉस थीटा अप्लाई करते हैं वो तो स्पैनर को खींच के बाहर कर देगा लेकिन उससे रोटेशन नहीं आएगी तो रोटेशन के लिए एक ही कंपोनेंट है दैट इज एफ साइन थीटा सो दैट मीन्स जो फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है ट्विस्टिंग इफेक्ट है वो जिसको कि टॉर्क कहेंगे तो वो टॉर्क जो है वो एक तो आर के प्रोपोर्शनल होगा ज़्यादा बड़ा आर होगा उतना ही इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगा सेकेंडली फोर्स का सिर्फ हमें वो पार्ट चाहिए जो आर को राइट एंगल पे है एंड दैट पार्ट इज एफ साइन थीटा तो टॉर्क को लिखा जाएगा आर इंटू एफ साइन थीटा तो इस तरह के प्रोडक्ट को जिसमें साइन आ जाए पिछले वाले में कॉज आ रहा था ए इंटू बी इंटू थीटा इसमें आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वन वैक्टर आर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वैक्टर एफ फिर साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वैक्टर्स आर और एफ़ में कितना एंगल है तो जिस प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज हो रहा है इसको एक अनदर कैटेगरी में रखते हैं जिसका नाम है वैक्टर प्रोडक्ट तो ये मैग्नीट्यूड है वैक्टर आर और वैक्टर एफ के क्रॉस प्रोडक्ट का सो इन जनरल हम लिखेंगे ए क्रॉस बी पिछले को डॉट प्रोडक्ट कह रहे थे इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहना है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी इन टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन जैसे यहाँ पे आर और एफ में कितना एंगल है यहाँ पे ए और बी में कितना एंगल है उसका साइन थीटा लिखना होगा लेकिन क्योंकि इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है इसके आंसर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है कि पहले उसका लिखा जाता है मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड इज़ ए बी साइन थीटा डायरेक्शन के लिए एक और यूनिट वैक्टर लगाना पड़ेगा जैसे कि आई कैप जे कैप होते हैं तो उस यूनिट वैक्टर की डायरेक्शन को हम एन कैप से नोट करेंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका नंबर वन जो फाइनल आंसर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा इसीलिए उसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है इसको डिनोट करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और जो आंसर आएगा उसमें दो चीज़ें होंगी नंबर वन होगी उसकी मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा सेकेंडली डायरेक्शन के लिए साथ में लगाना है एन कैप तो ए क्रॉस बी करने पे जो आंसर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा अब बात करते हैं कि डायरेक्शन होगा क्या इसका यानी कि एन कैप जो है किधर को पॉइंट करेगा या यूं कहिए कि ए क्रॉस बी का जो आंसर आना है ओवरऑल उसका डायरेक्शन क्या होगा सपोज़ ये आपका टेबल है टेबल का टेबल टॉप इसमें आपने दो वैक्टर्स ड्रॉ ड्रॉ किए रेड वाला वैक्टर ए है और ब्लू वाला वेक्टर बी है तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आपने अपने राइट हैंड की राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाना है ऐसे ए से बी की तरफ रोटेट करना है जिधर को थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगा क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी का सो ए क्रॉस बी निकालने के लिए राइट right हैंड के फिंगर्स को ए वेक्टर से बी की तरफ पॉइंट करिए फिर जिधर को थम पॉइंट करेगा वो ए क्रॉस बी होगा आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट right हैंड के फिंगर्स ए टू बी रखने हैं ओके okay, अगर बी क्रॉस ए निकालना हो ये तो ए क्रॉस बी लिखा ना बी क्रॉस ए निकालना है तो आपने फिंगर्स बी टू ए कर लेनी है सो so, उसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा B क्रॉस A के लिए आपने B से A की तरफ जाना है ऐसे तो थम नीचे को पॉइंट करेगा सो so, B क्रॉस A का डायरेक्शन होगा नीचे को A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा ऊपर को लेकिन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड B, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वो चेंज नहीं हुए इसलिए दोनों का साइज तो होगा सेम सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हैं तो ए क्रॉस बी ऊपर पॉइंट कर रहा है इसमें बी क्रॉस ए नीचे पॉइंट करेगा दैट मीन्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है ना आपस में अपोजिट ऑफ ईच अदर यानी कि नेगेटिव ऑफ ईच अदर है या यूं कहिए कि एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री दूसरा जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्रॉस प्रोडक्ट का अगर एक पैलोग्राम बनाएं ए और बी का उस पैलोग्राम में ए और बी में एंगल थीटा है तो यह पहले कर चुके हैं पैरोग्राम लॉ एडिशन में ये भी एंगल थीटा ही आता है एंड अकॉर्डिंग टू इट जो ये पर्पेंडिकुलर है उसका साइज़ रहता है बी साइन थीटा तो ये पर्पेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ वो भी इक्वल टू बी साइन थीटा ही होगा सो so, पैलोग्राम का अगर एरिया निकाला जाए जो ए और बी वैक्टर ने बनानी है वो होगा इक्वल टू बेस यानी कि ए इंटू हाइट ऑफ द पैलोग्राम यानी कि बी साइन थीटा तो ए इंटू बी साइन थीटा ही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ रहा है ये तो सिर्फ डायरेक्शन है कि किधर को पॉइंट कर रहा है तो ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी जो है वो एरिया ऑफ पैलोग्राम फॉर्म बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है सो so, सारी प्रॉपर्टीज एक बार देख लें क्रॉस प्रोडक्ट की क्या है तो पहले नोट डाउन कर लीजिए उसके बाद फिर वीडियो को आगे चलाइए सो प्रॉपर्टीज जो है क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे पहला मैंने बताया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में अपोजिट होते हैं यानी उनमें एंगल होता है वन एट्टी डिग्री सेकेंडली आंसर जो है क्रॉस प्रोडक्ट का वो एक वैक्टर क्वान्टिटी थर्डली ए क्रॉस बी जो है वो जोमेट्रिकली पैरलोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है जिस पैरलोग्राम की एडजेसेंट साइड्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फोर्थ ए क्रॉस बी मैंने दिखाया आपको पिछली स्लाइड में ए क्रॉस बी जो है वेक्टर वो ए और बी दोनों को राइट right एंगल पे है तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि एक वैक्टर निकालिए जो वैक्टर ए और वैक्टर बी दोनों को राइट right एंगल पे हो तो भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही दिखाना है ओके सो ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर टू होगा बोथ वैक्टर्स ए एंड वैक्टर बी अनदर पॉइंट अगर आपको एक यूनिट वैक्टर चाहिए जो कि दोनों वैक्टर्स ए और वैक्टर बी को राइट right एंगल पे है तो पहला काम ए क्रॉस बी निकालिए बट ए क्रॉस बी का साइज वन नहीं होगा उसको वन बनाने के लिए उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है तो एन कैप निकालने के लिए ए क्रॉस बी को डिवाइड कर दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी यानी समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप समथिंग के कैप आएगा तो आपने उनके जो कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड उनका स्क्वायर करके ऐड करना है और रूट ले लेना है उससे डिवाइड करना आपको जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा तो अभी क्वेश्चन करेंगे उससे और क्लियर होगा फर्दर अगर दो वैक्टर्स आपस में पैरल हैं तो उनमें एंगल या तो होगा जीरो या होगा वन एटी तो क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें साइन थीटा आता है साइन थीटा की वैल्यू जीरो और वन एटी पे जीरो और वन एटी पे साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो तो उस केस में ए क्रॉस बी जो है वो आपको जीरो मिलेगा सो so, अगर दो वैक्टर्स राइट एंग सॉरी पैरल हैं उस केस में ए क्रॉस बी का वैल्यू आपको जीरो आएगा तो इसके भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे सो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आर एक तो होगा कि प्रूव करिए कि दो वैक्टर्स पैरल हैं तो उनको क्रॉस करिए अगर आंसर जीरो आता है दैट वैक्टर्स आर पैरल अगर आपको निकालना है एक वैक्टर जो कि दोनों वैक्टर्स ए और बी को पेनिकुलर हैं तो भी आपको क्रॉस करना है बट क्रॉस करने के बाद उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना है तीसरी कैटेगरी है क्वेश्चन की अगर आपको बोला गया कि एरिया ऑफ पैलोग्राम निकालिए दो वैक्टर्स गिवन होंगे उस केस में भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज करना है सो so, तीन कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन हैं सो शुरू करते हैं पहले कि ए क्रॉस बी निकलता कैसे है <coughs> तो डॉट में तो आपको याद होगा कि हमने आई वाला मल्टीप्लाई किया आई से जे वाला जे से के वाला के से इसमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ता है थ्री बाय थ्री का डिटर्मिनेंट बनाएंगे पहले ए क्रॉस बी का आंसर एज टोल्ड वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी आंसर में आई कैप जे कैप के कैप आएंगे सो so, पहले आपने दो लाइनें ड्रॉ करनी है से. सबसे ऊपर के रो में आई कैप 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 लिखना सिर्फ ओनली आई कैप जे कैप के कैप अगली रो में जो ए का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट जो वेक्टर पहले लिखा होगा अगर बी पहले लिखा तो बी का रो आएगा यहां पर अब ए पहले लिखा तो वन टू थ्री फिर बी के कंपोनेंट्स लिखिए यानी टू माइनस थ्री वन इसके बाद आंसर में जैसे बताया आई कैप आएगा जे कैप आएगा के कैप आएगा तो सबसे पहले बात करेंगे आई कैप इनटू क्या लिखना है तो उसके लिए आपने आई कैप वाली रो और कॉलम कवर कर लेने अब आपके पास बचेंगे चार नंबर ऐसे अब आपने ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई करना है तो पहले टू को वन से मल्टीप्लाई जब रिवर्स करेंगे मल्टीप्लाई उसका साइन भी चेंज करना है तो टू इंटू वन टू एंड थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन लेकिन उसका साइन चेंज करना है माइनस माइनस नाइन ये हो गया आई कैप के साथ क्या आएगा सिमिलरली जे कैप से क्या आना है मैं नेगेटिव साइन क्यों आया बाद में बात करता हूँ जे कैप के साथ क्या आना है तो जे कैप की वाली रो और जे कैप वाले कॉलम को कवर कर लीजिए फिर से वही राइट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो तो करेंगे थ्री इंटू टू सिक्स उसका साइन चेंज करना है आई थिंक क्लियर हो गया होगा सिमिलरली के कैप निकालने के लिए के कैप के साथ पहले रो और कॉलम कवर करिए के कैप का रो के कैप कॉलम कवर कर दिया अब वन इंटू माइनस थ्री यानी माइनस थ्री टू इंटू टू फोर उसका साइन चेंज यानी कि माइनस फोर तो प्लस नाइन एंड टू इलेवन इलेवन आई कैप माइनस सिक्स वन, माइनस फाइव माइनस फाइव इंटू माइनस प्लस फाइव फिर माइनस फोर माइनस थ्री यानी कि माइनस सेवन के कैप जैसा बताया गया था आंसर में आई कैप जे कैप के कैप तीनों आएंगे अब ये माइनस साइन क्यों आता है यहां पर इनफैक्ट इन सभी के आगे एक टर्म जो लिखी नहीं गई यहां पे माइनस वन रेस टू पावर आई का रो नंबर पहली रो है प्लस कॉलम नंबर वही पहला ही है माइनस वन रेस टू पावर वन प्लस वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बट वो पावर बनती है इवन माइनस वन रेस टू पावर वन प्लस वन इवन पावर आएगी तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया जे का रो नंबर तो वन है बट कॉलम नंबर टू है तो वन में टू ऐड करेंगे तो पावर आएगी थ्री माइनस वन का पावर थ्री करेंगे दैट कम्स आउट टू बी माइनस के कैप में भी माइनस वन रेज टू पावर रो नंबर वन बट कॉलम नंबर थ्री वन प्लस थ्री वन प्लस थ्री इज फोर फोर इज अगेन एन इवन नंबर तो माइनस वन रेज टू पावर फोर करेंगे आंसर आएगा पॉजिटिव तो आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना सिंपली क्या याद रखना है कि जे के साथ माइनस लगेगा आई कैप और के कैप जो है वो पॉजिटिव रहेंगे तो आई थिंक आप सीखे होंगे कैसे करना है सो so, दोबारा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार आपने क्या करना है एक बार फर्स्ट रो में आई जे के सेकेंड रो में वन टू थ्री थर्ड रो में टू माइनस थ्री वन आई कैप को निकालते टाइम कवर करना है आई कैप का रो एंड कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई किया इधर को टू इधर को किया माइनस नाइन तो टू आपने एज इज लिखना है और माइनस नाइन का साइन चेंज करना है जे के साथ भूलना नहीं है माइनस साइन लगाना पड़ेगा जे वाला रो और कॉलम कवर किया वन इंटू वन वन थ्री इंटू टू सिक्स वन माइनस सिक्स सेम वे के कैप में साइन प्लस लगाना है रो और कॉलम कवर कर दीजिए वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री फिर टू इंटू टू फोर फोर को आपने सब्ट कर देना है जो भी नंबर्स आएंगे उनको विद आई कैप जे कैप के कैप लिखिए ओके अब क्वेश्चंस एक आप करके देखते हैं सपोज बोला आपको कि एक यूनिट वेक्टर निकालिए जो दो वैक्टर्स को प्रपेडिकुलर हो वैक्टर्स आर सिक्स आई कैप फाइव जे कैप फोर के कैप वैक्टर बी इज थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप सो so, रूल वही है एक क्रॉस बी निकालने के लिए फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप गुड सेकेंड रो में क्या आएगा सिक्स फाइव फोर थर्ड रो में क्या आएगा गुड थ्री माइनस टू वन बिल्कुल सही इक्वल टू आई कैप निकालने के लिए आई कैप का रो और कॉलम कवर करना है रो और कॉलम कवर किया तो नंबर बचे फाइव एंड फोर नीचे बचा माइनस टू एंड वन इधर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा यानी प्लस फाइव इधर को करेंगे माइनस एट आएगा लेकिन साइन चेंज करना है जे के साथ क्या लगाना था माइनस वेरी नाइस अब ब्रैकेट में आएगा जे वाला कॉलम और रो कवर कर दीजिए जे वाला कॉलम और रो कवर तो बचा आपके पास सिक्स इंटू वन फिर फोर इंटू थ्री 6 सिक्स माइनस ट्वेल्व के लिए के वाला रो और कॉलम कवर करिए तो सिक्स इंटू माइनस टू यानी माइनस ट्वेल्व एंड फोर फाइव इंटू थ्री दैट इज फिफ्टीन माइनस करना है एंड <coughs> टोटल कर दीजिए बाकी मैथमेटिक्स है सिंपल तो थर्टीन आई कैप सिक्स जे कैप माइनस ट्वेंटी सेवन के कैप अगर हमें चेक करना हो कि क्या ये वेक्टर सचमुच इसके राइट एंगल पे है तो आप ट्राई करिए इनको डॉट करके देखिए अगर आंसर जीरो आ गया डॉट करने पे यानी कि थर्टीन इंटू सिक्स करिए सिक्स इंटू फाइव करिए माइनस ट्वेंटी सेवन इंटू फोर करिए ये मिला के अगर आंसर जीरो आ जाता है जीरो का टेस्ट हमने अभी किया अगर दो वैक्टर राइट एंगल पर हैं उस केस में आपको क्या करना है उनको डॉट करके देखना है अगर वो आंसर जीरो आता है तो वैक्टर राइट एंगल पे है थर्टीन को सिक्स से मल्टीप्लाई करिए सिक्स को फाइव से करिए ट्वेंटी सेवन माइनस को फोर से करिए अगर टोटल जीरो आता है दैट मीन्स ये वैक्टर ए को राइट एंगल पे है सिमिलरली बी के साथ ट्राई करेंगे वो भी जीरो आएगा तो आप साइड में एक लाइन मार के ट्राई कर लीजिए क्योंकि वो इस क्वेश्चन का आंसर का पार्ट नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए डॉट करने पे इसके साथ और इसके साथ जीरो आएगा बट ये वेक्टर इन दोनों को राइट एंगल पे तो है बट अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो क्वेश्चन था कि आपको निकालना था यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपने इस वेक्टर को इसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे थर्टीन का स्क्वायर सिक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सेवन स्क्वायर एड करिएगा तो आंसर आ रहा है रूट ऑफ नाइन थर्टी फोर तो अगर इसका साइज इतना है इसको इतने से ही डिवाइड कर दें तो उसका आंसर बन जाएगा वन यानी कि मैग्नीट्यूड बनेगा वन तो आपको एन कैप निकालने के लिए वैक्टर ए क्रॉस बी को यानी कि इस वैक्टर को इसके अपने ही साइज से डिवाइड करना है तो सभी जगह नीचे आपने जस्ट क्या करना है रूट ऑफ नाइन थर्टी फोर लगा देना है सो दैट टर्नस आउट टू बी अ यूनिट वेक्टर इसको सॉल्व करेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे आंसर वन आएगा लेकिन ये वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों को नंबर वन राइट एंगल पे है नंबर टू इसका साइज इज मैग्नीट्यूड इज वन सो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में मिलेंगे आपको सो so, तीन जगह आपने वैक्टर प्रोडक्ट यूज करना है पहला दो वैक्टर्स के राइट एंगल पे एक और वैक्टर निकालना हो दूसरा अगर आपको यूनिट वैक्टर निकालना हो पर पेंडिकुलर टू द गिवन टू वैक्टर्स तो भी आपको क्रॉस करने के बाद एक स्टेप ऐड कर देना है कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर दो उसको <clears throat> दूसरी कैटेगरी क्वेश्चंस की है आपको पूछा जाएगा कि इन दो वेक्टर से जो पैलोग्राम बना उसका एरिया निकालिए उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है आपने पहले क्रॉस कर लेना है क्रॉस करने के बाद मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो वो एरिया ऑफ पैलोग्राम का साइज़ आ जाएगा एंड प्लस टू में याद रखिए क्योंकि एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है इसका मतलब है जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि एरिया एक वेक्टर है ओके okay, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसके नीचे लाइक का हैंड बना हुआ है लाइक कर दीजिए और वीडियोस आप चाहते हैं कि आपको आते रहें तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को आप और अगर चाहते हैं कि दूसरों के काम का है कि दूसरों को फ़ायदा दे सकता है तो इसको शेयर भी करिए थैंक यू वेरी मच कीप वॉचिंग